आप लोगों ने अपना गोल ये बना लेना है, इस कोर्स का भी पार्ट यही है कि हमें नेक्स्ट जीएस को सीखना है। नेक्स्ट जीएस को क्यों सीखना है, क्योंकि फ्यूचर उसके अंदर है, वो 2000 प्रिडिक्शन ये है, एक्सपर्ट की प्रिडिक्शन ये है कि 2030 तक जो है ना, नेक्स्ट जीएस विल बी दी गेम चेंजर इन वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट जिस तरह वर्डप्रेस ने बिलियंस ऑफ डिफरेंट वर्डप्रेस में बनी थी ना वेबसाइट, ऐसे बिलियंस ऑफ वेबसाइट नेक्स्ट जीएस में बनने जा रही है, और वो बनाएंगे कौन, आप लोग। जो पहले सीखेगा उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो ज्यादा बनाएगा। तो अल्टीमेट आपने वेब के अंदर जो फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क को मैं आपको बोल रहा हूं, याद कर लें, जहन नशीन कर लें कि जितनी चीजें हम सीखेंगे ना, HTML, CSS, React वगैरह, जितनी चीजें सीखेंगे वो क्यों सीखेंगे, कि हमें नेक्स्ट जीएस समझ में आ जाए। तो अल्टीमेट मोबाइल में आपने React Native सीखनी है, और वेब में आपने बोलो नेक्स्ट जीएस सीखनी है। मोबाइल में क्या सीखनी है, वेब में क्या सीखना है, नेक्स्ट जीएस। अच्छा, हम ये दो कवर कर रहे होंगे, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन की भी हमने बात की थी कि जो सिस्टम्स पे ऊपर चलती है, अच्छा उसके अंदर भी हम नेक्स्ट जीएस को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क हमें यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन जीएस। इलेक्ट्रॉन जीएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम विंडो की, मैकबुक की, लिनक्स की एप्लीकेशन बना सकते हैं जो डेस्कटॉप पे चलती है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना सकते हैं। उसके बिहाइंड क्या चीज चलती है, वही React JS या Next JS जो हम सीखेंगे। मेनली हम Next JS का सारा कोड यूज करके एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, या React का सारा कोड यूज करके हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो हमने तीनों, हम इलेक्ट्रॉन जीएस को कवर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग उसकी दो तीन वीडियोस देख के आसानी से उसके ऊपर ऐप बना सकते हैं, अगर कोई डिमांड आती है, अगर कोई आपको ऐसा डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत पड़ती है।